और अब वो खबर जो यकीनन बहुत चौंकाने वाली है, एक छात्र पर आरोप लगा है अपने ही प्रिंसिपल को गोलियों से भून डालने का। खून से लथपथ ये वही आरोपी छात्र है जिसने अपनी ही प्रिंसिपल को गोलियों से भून डाला। वारदात हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां के विवेकानंद स्कूल में आरोपी छात्र पढ़ता था। विवाद के चलते उसे स्कूल से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल ने जब उसके माता पिता को पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया तो आरोपी छात्र नाराज हो गया और उसने पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचकर सबके सामने प्रिंसिपल ऋतु छाबड़ा को गोलियों से भून डाला। आरोपी छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया। मैम से कोई उनका होगा, कोई मतभेद किसी बात को लेकर के, लेट आने के पीछे या होमवर्क के पीछे कुछ ऐसी बात हो सकती है। वारदात को देखकर लगता है कि छात्र पूरी प्लानिंग के साथ आया था, तभी वो फायरिंग करके स्कूल के बाहर भागा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोटरसाइकिल लेके उसके पीछे भागा, तो जिसको गोलियां लगी तो स्कूल के अंदर ही मारी गई। सीधी सी बात है, वो गोलियां मार के गया मैडम को गोलियां मार के गया, हमने पकड़ लिया। इस वारदात के बाद प्रिंसिपल ऋतु छाबड़ा का परिवार सदमे में है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि स्कूल से निकालने की कार्रवाई पर कोई छात्र इतनी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।